हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिंबल्स के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ डू एटम एक्सिस्ट। एटम किस तरह से एक्सिस्ट होते हैं। कभी भी जो एटम होते हैं वो इनडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सिस्ट होते हैं। तो एटम यूजली एक्सिस्ट इन टू वेज या टू फॉर्म में क्या होते हैं, एक्सिस्ट होते हैं। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। आपको पीछे बताया था मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और आपको एग्जाम्पल बताया था वाटर का। वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स। वो किस किस से कंबाइन होकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन के एटम, इन्होंने आपस में कंबाइन होकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल वाटर। तो यहाँ पर एटम कौन सी फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। तो आपको लास्ट जो मैंने पिछले जो चैप्टर पढ़ाए उन्हें बताया भी था कि जैसे आपने कोई एक गिलास में वाटर ले लिया है तो उस पूरे गिलास के वाटर में जो हर मॉलिक्यूल्स होगा वो किसका होगा, H2O का होगा। तो इस तरह से पहला फॉर्म कौन सा हो गया, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। दूसरा किस फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में। व्हाट इज आयन, आयन इज ए चार्ज पार्टिकल्स। जो आयंस होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। अब आपको पता है चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या रिमूव होने से होते हैं। जब भी कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। क्या कहा जाता है, एनायन। और जब भी कोई एटम से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। इस आयंस के बारे में और आगे नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम सारा इनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया है क्लोरीन। अब आपको पता है क्लोरीन पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, तो किसी भी अब एलिमेंट जो है, क्लोरीन है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने या रिमूव करने के बेस पर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उनके ऊपर हमेशा कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या दूसरे को देते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे जितने भी है टेबल में से। एटॉमिक नंबर की टेबल के लिए मैंने आपको कहा था कि पूरी टेबल में से आप एटॉमिक नंबर लर्न करना है आपको। तो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से एटम का स्ट्रक्चर है। कि पहले तो डाल्टन ने कहा था कि एटॉमिक इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल, कि लास्ट में जब आप ऐसा पार्टिकल मिल जाए जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटम करते हैं। लेकिन बाद में पता चला है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बीच में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या करते हैं, राउंड करते हैं, और जिसके अंदर ये राउंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, KLM। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² से फॉर्मूला से भरे जाते हैं, यानी पहली शैल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में मतलब 2, 8, 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, भरे जाते हैं। तो क्लोरीन का जैसे 17 है तो उसकी पहली शैल में कितने आ गए, 2, सेकंड में कितने आ गए, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, अब कितने बच गए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको अपनी ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन ऐड करता है, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करता है, लेता है। इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। आगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पढ़ेंगे हम, बहुत सारे डिटेल्स है। तो अभी तो आपको केवल यही समझना है कि जो एटम होता है वो टू फॉर्म में एक्सिस्ट होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और एक आयंस की फॉर्म में। आयंस में आपको जो मेन चीज़ याद करनी है वो है कि यदि आयंस ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, एनायन।
और यदि रिमूव हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो ये मेन है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये तो आपको बता दिया है कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली नेचुरल ग्रुप ऑफ टू और मोर, या तो टू एटम से या दो से ज़्यादा एटम से। एटम केमिकली बॉन्डेड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, एक फोर्स से टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स एट्रैक्टिव फोर्स से या केमिकली बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H प्लस S ने मिलकर क्या बना दिया, दोनों क्या हो गए, फोर्स से क्या हो गए, एट्रैक्टिव फोर्स से कंबाइन हो गए केमिकली रूप से, और उन्होंने क्या बना दिया, H2 बना दिया। तो जब भी टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्डेड के द्वारा कंबाइन होते हैं और एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जब मिलते हैं तो जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट्स जो होगा वो तो एक सिमिलर एटम से ही मिलकर बनेगा, और जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं। यदि एक सिमिलर एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर, या तो टू या टू से ज़्यादा सिमिलर एटम केमिकली बॉन्डेड टूगेदर। तो दोनों, जैसे H2 इसमें क्या हो गए, सिमिलर हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N प्लस N, O3 भी हो सकता है, ओजोन, O3 जो होता है वो ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर होती है हमारी एनवायरनमेंट में, जो हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे हमको क्या करती है, बचाती है। तो वो किससे मिलकर बनते हैं, O3, लेकिन सिमिलर एटम होने चाहिए। तो सिमिलर एटम मिलकर बना रहे हैं तो कहला रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। किसका एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन O3 ओजोन जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा है मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। अब कंपाउंड में सिमिलर एटम्स नहीं होंगे, डिफरेंट एटम्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड होते हैं, उनमें टू या तो टू या टू से मोर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होकर के साथ साथ बनाते हैं। तो जैसे आपके CH4 मीथेन, जैसे कार्बन, इसमें क्या है, ये फोर CH4, NH3, अमोनिया, H2O, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या कहला रहे हैं, कंपाउंड कहला रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मिलने वाले जो एटम हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। यदि मिलने वाले एटम सिमिलर हो तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और यदि मिलने वाले जो एटम्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कहलाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको याद रखनी है, पहले तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में कितने एटम मिलकर के उसको बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, तो ये क्या कहलाएगा, डाई एटोमिसिटी, O2 डाई एटोमिक, N2 डाई एटोमिक, O3 ट्राई एटोमिक, P4 टेट्रा एटोमिक, और 4 से ज़्यादा हो जाए तो पॉली एटोमिक, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन जो हीलियम होता है वो कभी भी कंबाइन नहीं होता है किसी से, ये एकदम क्या रहता है, इंडिपेंड रहता है, फ्री रहता है। कभी भी आपने HE2 नहीं सुना होगा, सुना है क्या, हीलियम के साथ में 2 H2, हाइड्रोजन के साथ में H2 O2 N2 O2 O3 P4, सल्फर में 8 होते हैं तो वो कहलाएगा पॉली एटोमिक। तो लेकिन हीलियम क्या होती है, केवल इंडिपेंडेंट रहती है, इसीलिए इसको मोनो एटोमिक कहते हैं। तो मोनो एटोमिक का जो एग्जांपल है वो केवल क्या होगा, हीलियम होगा। तो इस तरह से आज हमने आपकी बुक के अंदर एटोमिसिटी की जो एक टेबल बनी हुई है उसको आपको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर बनाना पूरी।
और इसके अलावा जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स की भी एक टेबल बनी हुई है, तो कंपाउंड्स की टेबल और एटॉमिसिटी की जो टेबल है वो दोनों आपको अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर बनानी है और इनको आपको याद रखना है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ डू एटम एक्सिस्ट, कौन कौन सी फॉर्म में एक्सिस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। अब आयंस क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर वैलेंसी क्या होती है, कैसे फॉर्मूला बनते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के, पता है आपको टू टाइप के मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सॉरी, और क्या होता है मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। तो एलिमेंट्स सिमिलर एटम मिलकर बना रहे हैं और जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एटम मिलकर के बना रहे हैं। तो ये आपको एग्जांपल याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।